जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से पूरे भारत में मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा है। हरियाणा में यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इसी अभियान के चलते आज शुक्रवार को मेरठ रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़े करनाल के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आकाश भट्ट ने कहा कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। उसी कड़ी में आज यहां पर मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, जो जिले के प्रत्येक व्यक्ति तक निधि समर्पण के लिए अपना संदेश लेकर जाया जाएगा और श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए सहयोग राशि इकट्ठी की जाएगी। उन्होंने कहा, जिस तरह श्री राम सेतु हेतु गिलहरी ने अपनी छोटी सी भूमिका निभाई थी, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले श्री राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। यहां हम आपको बता दें कि 500 साल के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए हिंदू संगठन व प्रत्येक भारतवासी अपना सहयोग राशि दे रहा है। उसी के चलते आज करनाल में भी मुख्य कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। अभियान के चलते प्रत्येक घर में पहुंचकर श्री राम मंदिर के निर्माण में अपनी भागीदारी देने का आह्वान किया जाएगा एवं अनुदान इकट्ठा किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े गौरव की और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष पुराना विषय जो अटका हुआ था और अभी पूरे समाज के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से यह विषय आज इतना अच्छा एक डिसीजन हमारे यहाँ पे हुआ है। 2019 नवंबर मास में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में जो भगवान श्री राम मंदिर जी का मंदिर बनने का जो निर्णय आया है, पूरे भारतवर्ष में एक उमंग की लहर है, सबको एक बहुत बड़ी खुशी का विषय है और उस मंदिर निर्माण का कार्य अब शुरू हो गया है और वह मंदिर पूरे समाज के सहयोग से बने, ना कि किसी गवर्नमेंट के अकेले सहयोग से या किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से, बल्कि पूरे भारतवर्ष और पूरे समाज के सहयोग से उस मंदिर का निर्माण हो, ऐसी योजना हमारे संगठन ने की है और उसी योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में प्रांत स्तर पे, जिला स्तर पे सभी कार्यकर्ता अपने अपनी जिम्मेवारी के साथ उस कार्य में विलीन होकर सेवा कर रहे हैं। उसी अभियान के तहत आज करनाल जिले में जो हनुमान मंदिर, दक्षिण पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यालय से पूरे जिले में सामग्री दी जाएगी, हर जिले की एक जो जिम्मेवारी कार्यकर्ता यहां पर बैठकर अपने जिम्मेवारी से कार्य करेगा और पूरे उमंग और पूरे जोश के साथ हर कार्यकर्ता भगवान श्री राम जी के मंदिर में उस निर्माण कार्य में अपना सहयोग करेगा, ऐसी एक योजना के साथ आज यहां पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बहुत भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता आज मौजूद रहे हैं, हवन यज्ञ किया गया है इस खुशी के मौके पर। हवन यज्ञ के साथ आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि ये जो एक पुनीत काम हमारे जीवन काल में आया है भगवान राम के मंदिर के बनने का, इस पुनीत काम के अंदर हम अपना तन मन धन से अपना समर्पण करें। अपने जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, संबंधी, पड़ोसी, सबसे आग्रह करके सबका संग्रह इस काम में लगे, ताकि कल हम भगवान राम के मंदिर अयोध्या में जाएं तो हम भी कह सकें कि इस मंदिर को बनाने में हमने भी सहयोग किया था। इस प्रकार की एक अपील मैं पूरे समाज से, बिना किसी जाति भेदभाव, संपूर्ण समाज में समरसता का भाव बनाते हुए, एक मानते हुए, सब समाज को साथ लेकर चलते हुए, और हम इसमें संग्रह करें, ज्यादा से ज्यादा हम सहयोग करें, यही मेरी अपील है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, उसका हमारा जो अभियान है हरियाणा प्रांत का 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक अपना जो अभियान चलेगा, ये उसी के निमित्त आज अपना यहाँ करनाल जिले का कार्यालय खोला गया है, उसका आज उद्घाटन हुआ है। और अपने जो करनाल में हमारी 12 इकाई है, जिसमें 4 नगर 12 खंड, और उनकी योजना हमारी बनी है और उस अभियान को हम 31 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जिले में हमारी 600 टोलियां बनी है इस राम काज के कार्य को करने के लिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मेरा यही निवेदन है कि जो राम काज का ये कार्य शुरू हुआ है, उसमें अपना तन मन से समर्पण करें। जैसे
प्रभु राम जी का जो कार्य चला था, जिस प्रकार गिलहरी ने अपना रोल अदा किया था, उसी प्रकार हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.